गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। सो गाइस आज मैं एक नए टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कि हैंड ब्रेक के रिलेटिव में है। तो गाइस आप कभी भी जब भी आप अपना हैंड ब्रेक गाड़ी में लगा देते हैं जो कि आप भूल जाते हैं और आपकी गाड़ी चलाते रहते हैं तो गाइस उससे क्या होता है कि आपकी गाड़ी में क्या फ़ायदे क्या नुकसान हो सकते हैं, तो इस वीडियो के मद से मैं आपको उस टॉपिक के बाद बताने वाला हूँ कि हैंड ब्रेक में क्या फ़ायदे क्या नुकसान होते हैं। तो गाइस आपको मैं हैंड ब्रेक लगा के दिखाऊंगा और बताऊंगा कैसे आपकी गाड़ी कैसे रुकती है, क्या दिक्कत क्या प्रॉब्लम होती है, तो मैं गाइस आपको बताऊंगा इस वीडियो को बस से। तो गाइस आप लोग मेरे वीडियो को बने रहें, आइए गाइस। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं रोड पे, अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे गाड़ी आगे बढ़ा के। तो गाइस यहाँ पे हम फर्स्ट गेयर डाल दिए हैं और गाड़ी अपनी रोड पे लेके चल रहे हैं। तो गाइस इस वीडियो का मद्द केवल यही है कि हम अपनी गाड़ी में हैंड ब्रेक लगा के भूल जाते हैं तो गाड़ी में हमारे क्या क्या नुकसान क्या फ़ायदे और क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो इन सारी बातों को गौर रखते हुए गाइस हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं आज कि हमारी गाड़ी में हैंड ब्रेक लगा हो तो उससे क्या फ़ायदे क्या नुकसान होते हैं। तो गाइस जब भी आप गाड़ी चलाते हैं या चलाने के समय आप अपने पहली चीज़ ध्यान रखें कि हमें अपने हैंड ब्रेक को ज़रूर छुड़ाना है और हटाना है, जैसे कि जो भी आपकी समझ में आता है। तो गाइस सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया था कि जब भी आप गाड़ी में बैठेंगे पहला काम होगा आप सीट बेल्ट लगाएंगे, दूसरा काम होगा आप जब भी गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो न्यूट्रल हो या आप गियर में हो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको फ़र्क बस इतना पड़ता है कि आपके दिमाग में एक चीज़ ये भी होनी चाहिए कि आपको क्लेच दबा के ही गाड़ी स्टार्ट करनी है। तो गाइस आपको कई चीज़ें ध्यान रखनी है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपको गाड़ी में जब बैठेंगे तो फर्स्ट काम है कि आप अपनी सीट बेल्ट लगाएंगे, दूसरा काम है कि आप अपनी गाड़ी जब स्टार्ट करने वाले होंगे तो आप पूरा क्लेच दबा के स्टार्ट करेंगे गाड़ी, तीसरा काम है गाइस आपका आप अपना हैंड ब्रेक छुड़ाएंगे और अपने तीनों शीशे सेट कर लेंगे जो आपकी गाड़ी में लेफ्ट राइट और बीच में होते हैं इनको आपको। तो गाइस ये चार पांच चीज़ें जो ऐसी होती है जो आपको अपने दिमाग में रख के चलना है और आप जब भी गाड़ी चलाएं तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो गाइस अब मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि मैं हैंड ब्रेक लगा दूं और गाड़ी चलाऊं तो उससे क्या फ़ायदे क्या नुकसान होते हैं, तो गाइस आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहें। सो गाइस यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे 60-70 की स्पीड में चलाऊंगा, फिर उसके बाद मैं हैंड ब्रेक लगाने की कोशिश करूँगा और लगाऊँगा भी, फिर उसके बाद रिएक्शन देखा जाएगा क्या क्वालिटी क्या दिक्कत होती है जो कि हमारी गाड़ी में हैंड ब्रेक लगा रहता है। तो गाइस यहाँ पे मैं हाईवे पे चल रहा हूँ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। गाइस यहाँ पे हमारा पांचवा गियर पड़ा हुआ है और हैंड ब्रेक हमारा नहीं लगा हुआ है, तो गाइस यहाँ पे हम अचानक अपना हैंड ब्रेक लगाएंगे जैसे कि आपको आवाज़ भी आएगी और आप समझ सकते हो। तो गाइस यहाँ पे मेरी गाड़ी की स्पीड है 60, तो गाइस मैं हैंड ब्रेक लगा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए गाइस मैंने लगा दिया हैंड ब्रेक और यहाँ पे गाइस हमारी बहुत ही स्पीड नॉर्मल होती चली जाए और रेड कलर की बटन यहाँ पे आज जल गई है जो कि हमारी गाड़ी की बटन जल गई है और बहुत ही आराम से एकदम स्मूथ होकर गाड़ी हमारी एकदम आराम धीरे 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 के करे। गाइस सपोज के बहुत से ज़्यादा 60 की स्पीड से गाड़ी चल रही है और हमारे पांचवे गियर में गाड़ी पड़ी हुई थी और हमने हैंड ब्रेक अचानक खींचा, तो गाइस वहाँ पे क्या सिचुएशन आती है, आपकी गाड़ी में रेड लाइट की यहाँ पे बटन जल जाएगी और आपकी गाड़ी 100 से 150 मीटर में आराम से धीरे धीरे करके रुक जाएगी। अब इसमें क्या होता है गाइस कि आपको क्या प्रॉब्लम होती है, क्या नुकसान होते हैं, क्या फायदे होते हैं, तो गाइस मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के मद से। तो गाइस यहाँ पे मैं फिर से गाड़ी अपनी चला रहा हूँ और यहाँ पे हमारी जो रेड कलर की बटन थी वो जलना बंद हो गई और हैंड ब्रेक मैंने छुड़ा दिया है और आराम से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे क्या सिचुएशन आती है, क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं, तो गाइस हमारी गाड़ी के चारों चक्कों में जो हमारी फोर व्हीलर है
जो भी जिसकी जितनी भी गाड़ियां होती है सब में ब्रेक होते हैं। तो गाइस सब में ब्रेक होते हैं बट सब में डिस्क ब्रेक नहीं होते हैं। गाइस अधिकांश डिस्क ब्रेक जो होते हैं वो आगे के टायरों में दोनों में होते हैं। और अब तो नई गाड़ियां आ गई हैं गाइस उसमें जो है चारों टायरों में डिस्क ब्रेक होते हैं। बट इन जो अभी ओल्ड मॉडल की गाड़ियां हैं जो कि गाइस हमारी अभी गाड़ियों में आगे के चक्कों में डिस्क ब्रेक है, पीछे वाले चक्कों में डिस्क ब्रेक नहीं होती है जो नॉर्मल गाड़ियां हैं गाइस। तो कि गाइस जब हमारी गाड़ी का हैंड ब्रेक लगा रहता है या लगा दिया जाता है या किसी कारणवश लगा रहता है या हमने अचानक लगा दिया, तो वहां पे गाइस क्या होता है कि हमारी गाड़ी के जो पिछले वाले चक्के होते हैं उनमें नॉर्मल ब्रेक होते हैं गाइस, उसमें मतलब कि ब्रेक शू होते हैं, डिस्क ब्रेक नहीं होती है, ब्रेक शू होते हैं। तो उससे गाइस मान लीजिए कि आपकी हैंड ब्रेक जब लगती है तो आपके पिछले वाले टायरों को गाड़ी को चक्के को रोक के हैंड ब्रेक रखती है, आगे वाले चक्कों को आपकी गाड़ी का हैंड ब्रेक कोई मतलब नहीं रहता है। और आप जब भी स्पीड में हैंड ब्रेक लगाते हैं तो उससे क्या फायदे या क्या नुकसान, तो गाइस उसमें नुकसान आपका यही है, ज्यादा कोई नुकसान नहीं है। या आप गाड़ी स्टार्ट करके जा रहे हैं कहीं पे तब गाइस आपका नुकसान है। हाँ मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब आप चलती चलती गाड़ी में हैंड ब्रेक लगाते हैं तो आपके पीछे वाले टायरों में या जो चक्के होते हैं उसी में लगेगा, तो गाइस उसमें ज्यादा नुकसान होने की चांस नहीं है, बट नुकसान है गाइस, कुछ परसेंट नुकसान है। आपको चलती हुई गाड़ी में हैंड ब्रेक नहीं लगाना है, ये चीज तो क्लियर हो गई। दूसरी बात गाइस, जब भी आप अपनी गाड़ी में हैंड ब्रेक भूल जाते हैं छुड़ाना तब आपका क्या फायदा और क्या नुकसान, तो गाइस आप सपोज करिए गाड़ी स्टार्ट किए और हैंड ब्रेक लगा हुआ आपके दिमाग में नहीं है और आप लेके गाड़ी चले गए, तो गाइस आपको नुकसान वहां पे क्या क्या होगा। पहली चीज आपके गाड़ी के चक्कों के गाइस हैंड ब्रेक प्रेशर ब्रेक दोनों जो चारों हैं वो लगे हैं, और उसके बाद अब आप वहां पे क्या सोच रहे होंगे कि हमारे चारों चक्कों में हैंड ब्रेक लगी हुई है, बट गाइस ऐसा कुछ नहीं है। उसमें क्या होता है गाइस ये कि आपकी गाड़ी में हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो आपके पीछे वाले गाड़ी के जो चक्के हैं वो राउंड उतना नहीं करेंगे जितना कि करना चाहिए, और उससे आपका क्या नुकसान क्या फायदा, तो गाइस आपकी गाड़ी लोड ज्यादा लेगी पहली चीज। दूसरी चीज है गाइस आपके ब्रेक शू खराब होने के चांस रहते हैं ज्यादा दूरी पे चलाएं गाइस तब, और जैसे कि आप फर्स्ट गियर डालेंगे तो आपको रेस ज्यादा देनी पड़ेगी, और आपको पेट्रोल या डीजल जो भी जिससे भी चला रहे हैं वो आपका थोड़ा सा ज्यादा खत्म होगा, मतलब कि जब आपकी गाड़ी एक पैसे का काम कर रही है एक पैसे का तेल खा रही तो 100 पैसे का तेल खाएगी। सो गाइस उसमें आपका नुकसान क्या होता है कि आपकी गाड़ी में ब्रेक जो लगा रहता है तो पिछले वाले टायरों में या रिम में ब्रेक शू आपका खत्म होगा, ज्यादा दूरी पे चलाएंगे वैसे ज्यादा दूरी पे गाइस आप जब चलाएंगे ही नहीं आपके दिमाग में आ जाएगा कि गाड़ी हमारी क्यों बैठ रही है, हमें रेस क्यों देना पड़ रहा है, तो आपके दिमाग में ये चीज आ ही जाएगी। बट जो नए विज्ञान हमारे होते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, तो गाइस उसमें फायदे या नुकसान जो भी हैं आपके पिछले वाले चक्के से ही है, ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, आपके ब्रेक शू ही ज्यादा से ज्यादा खराब होंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा चलाएंगे तब। तो गाइस इस तरीके से आपका नुकसान जब हैंड ब्रेक लगा रहता है तो आपका नुकसान बस गाइस यही है कि आपके पिछले वाले चक्कों से आपके ब्रेक शू खराब हो सकते हैं और आपकी गाड़ी ज्यादा तेल खाएगी, बस ये नुकसान होता है गाइस, और इंजन पे आपका लोड पड़ेगा। तो गाइस इस हिसाब से नुकसान तो है ही, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपने हिसाब से गाड़ी चलाएंगे और कभी भूलने की कोशिश नहीं करेंगे और ना भूल पाएंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो किसी नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। ओके जय हिंद।